प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7 गणित विषय है बच्चों, और इसमें अध्याय रहेगा आपके पास 6 त्रिभुज और उसके प्रकार, अध्याय का नाम है बच्चों। तो इससे पहले हम अध्याय की प्रश्नावली कर चुके हैं 6.21, 2 और 3। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.4। तो अगर आपने वो पीछे नहीं की तो इसी चैनल पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो देख लेना बच्चों। तो आज कराएंगे हम प्रश्नावली 6.4। तो प्रश्नावली 6.4 करने से पहले कुछ बातें हैं इससे संबंधित, तो वो आप जरूर जान लें क्योंकि तभी आप प्रश्न कर पाओगे। तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं, इससे पहले होती हैं जो बातें देख लेते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास इस एक्सरसाइज से संबंधित है, 2 विशेष त्रिभुजें होती हैं, एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, देखिए एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड्स या ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं एक समान है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जो समबाहु त्रिभुज होती है ना, ये बात आप माइंड में रख लें कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो उसके कोण भी तीनों बराबर होते हैं, तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 समान है, 60 डिग्री के 60 डिग्री के एंगल हैं और सेम इसकी साइड्स हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं बच्चों जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब होता है दो, और भुजाएं यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे आपके पास ये भुजा इसके बराबर है, यानी ये वाली भुजा और ये बराबर है, तो उसी प्रकार से जो भुजाएं बराबर है ना उनके सामने वाला कोण, ये दोनों भी बराबर होते हैं, यानी जो समान भुजाएं हैं उनके सामने वाले दो कोण समान होते हैं, एंगल सेम होते हैं, इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं और टू एंगल इक्वल होते हैं, दो भुजाएं बराबर, दो कोण भी बराबर। फिर उसके बाद है आपके पास बच्चों त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग, यानी कोई भी त्रिभुज है अगर उसकी दो भुजाओं का योग करें तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से हमेशा बड़ा होता है, यानी अगर टू साइड्स को सम करें, ऐड करें, तो वो हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड के वैल्यू से, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तभी त्रिभुज संभव है। और जिसमें जैसे आपके पास 6, 7, 8 सेंटीमीटर है, तो अगर हम 6 और 7 को जोड़ें, दो भुजाओं को जोड़ें, तो कितना आता है, 6 और 7, 13 आता है, तो 13 तीसरी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर इससे बड़ा है। तो इसी तरह से वही त्रिभुज संभव होती है जिसकी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो, ठीक है। तो यही है आपके पास मुख्य बातें। अब हम प्रश्नावली कर लेते हैं, प्रश्नावली 6.4। तो इसमें पहला प्रश्न यही दिया गया है कि कौन सा त्रिभुज संभव है, तो इसमें भी हमने त्रिभुज की लंबाई दे रखी है, उसकी भुजाओं की लंबाई दे रखी है त्रिभुज की, तो ये कर लेते हैं बच्चों। देखिए तो देखिए बच्चों इसमें पहला प्रश्न है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो इसने बोला है कि ये भुजाओं की लंबाई दी गई है त्रिभुज की, और ये भी किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी गई है, और ये भी, तो ये कह रहा है कि क्या इनसे कोई त्रिभुज बन सकता है या नहीं। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, दो भुजाओं का योग देखेंगे कि वो तीसरी भुजा से बड़ा है या नहीं। तो जिसमें दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा तो वो त्रिभुज संभव है। तो इसमें देखिए आपके पास दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, तो दो भुजाओं का योग हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादातर क्या होता है, जो दो छोटी भुजाएं हैं ना उनको ऐड कर लेते हैं,
वो और वो बड़ी भुजा है जो उससे भी बड़ा आना चाहिए। तो इसमें देखिए आपके पास 2 + 3, तो 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया बच्चों। और तीसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो ये तो दोनों बराबर आ गए, तो लेकिन ये बड़ा आना चाहिए, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, तो इसलिए अतः त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं, त्रिभुज संभव नहीं। तो ये आप आंसर लिखोगे इसका। फिर सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, फिर है 6 सेंटीमीटर और फिर है 7 सेंटीमीटर। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग करेंगे, जो छोटी दो भुजाएं हैं उनको ऐड कर लेते हैं, दो भुजाओं का योग 3 + 6 = 9 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा कितनी आ गई है बच्चों, ये 7 सेंटीमीटर है। तो यहां देखिए 9 सेंटीमीटर जो है बड़ा है 7 सेंटीमीटर से, यानी 9 सेंटीमीटर ग्रेटर, यानी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा आ गया, तो हम लिखेंगे त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है। ठीक है, तो ये हो गया भुजाओं का योग है, जैसे 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसमें वही करेंगे, दो छोटी भुजाओं का योग कर लेते हैं पहले, तो दो भुजाओं का योग कितना आ गया बच्चों, कितना आएगा, 3 + 2 = 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा कितनी है बच्चों, तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है ये वाली। अब दो भुजाओं का योग 5 है और तीसरी भुजा 6 है, बड़ी है, तो हम लिखेंगे कि 5 सेंटीमीटर जो है 6 सेंटीमीटर से कम आ गई, तो ये तो त्रिभुज संभव नहीं होगी, क्योंकि ये ज्यादा आना चाहिए था, अधिक आना चाहिए था, लेकिन तीसरी भुजा बड़ी आ गई, ज्यादा आ गई, तो ये त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है, नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये आप कर लीजिए, प्रश्न 1 हो चुका है बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 2, ये कहता है कि त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए, ये त्रिभुज PQR है और इसके बीच में हमने बिंदु ले लिया, क्या लिया बच्चों, ओ ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, पी ओ को मिलाया और ओ क्यू को मिला दिया और ये ओ को आर से मिला दिया। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्या ओपी जमा ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से, क्या देखिए ये त्रिभुज बन गई ओ पी क्यू, तो ये त्रिभुज मैंने यहां पे बना ली दोबारा से, ये वाली त्रिभुज ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये O है, ये P है और ये Q है, तो ये वाली त्रिभुज थी जो अंदर वाली, तो ये हमने यहाँ पर बना दिया बड़ी करके थोड़ी। तो अब ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में OP + OQ, OP + OQ। अब ये देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है या नहीं, अभी बताया मैंने, तो OP + OQ PQ से बड़ा है, ग्रेटर है, बड़ा है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में OP + OQ OP
और ओ क्यों, ठीक है, ओ क्यों बड़ा है पी क्यों से, तो ये आ जाएगा हाँ, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ओ पी क्यों एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो इसलिए ये है संभव। फिर दूसरे पार्ट में देखिए, ओ क्यू प्लस ओ आर, अब ओ क्यू प्लस ओ आर ये वाली त्रिभुज आ गई। अब कौन सी त्रिभुज आ गई बच्चों, ये वाली त्रिभुज बना लेते हैं हम दोबारा से यहाँ। तो आर क्यू वाली लाइन ये मैंने खींच दी, और एक ये और एक ये, इस तरह से एक त्रिभुज है ये, तो यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे क्या हुआ आ गया। तो इसमें सेकंड पार्ट में भी हम लिखेंगे जैसे ही, ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा है क्यू आर से, तो ये आंसर इसका भी हाँ आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा हाँ, क्योंकि क्योंकि ओ आर क्यू एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, तो ये है यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट में आप लिखोगे, थर्ड पार्ट में ओ आर ओ पी, ओ आर ओ पी बड़ा है पी आर से, ठीक है, तो ये भी इस त्रिभुज में ले लेंगे फिर हम, ये वाली त्रिभुज है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, जो डार्क हो गया ना, तो हमने ओ पी आर त्रिभुज बनानी है ये, तो ये मैं ये त्रिभुज यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ऐसी है ना ये, तो ये आ जाएगा पी आर ओ, तो इसमें भी आप लिखो ओ आर प्लस ओ पी बड़ा है पी आर से, तो ये हाँ आ जाएगा बच्चों, इसका भी आंसर हाँ। और इसमें भी आप लिखोगे क्योंकि कौन सी त्रिभुज है, अब ये पी ओ आर, क्योंकि पी ओ आर एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, तो ये आपका आंसर हो चुका है दूसरे प्रश्न का, कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों प्रश्न तीन, प्रश्न तीन में देखिए ये कहता है कि त्रिभुज एबीसी की एक मध्यिका एएम है, तो एएम जो है एबीसी में एक मध्यिका है, तो बताइए कि क्या एबी प्लस बीसी प्लस सीए बड़ा है दो एएम से। तो इसमें देखिए आपके पास, हम देखेंगे पहले तो हम ये त्रिभुज लेंगे ए बी एम, और दूसरी त्रिभुज लेंगे ए एम सी, तो इसमें देखिए त्रिभुज उत्तर में देखिए आप, त्रिभुज ए एम बी, ए एम बी में त्रिभुज ए एम बी में क्या हो जाएगा बच्चों, या ए बी एम, तो इसमें आ जाएगा आपके पास ए एम, यानी आप लिखोगे ए बी प्लस बी एम बराबर है, बड़ा है ए एम से, तो आप लिखोगे ए बी जमा बी एम, ये बड़ा है किससे, ए एम से, ठीक है। तो हमने पहले ये त्रिभुज लिया है, कौन सी त्रिभुज ले ली, ये वाली, ठीक, तो इस त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमने किया तीसरी भुजा से बड़ा। फिर हमने दूसरी त्रिभुज लेनी है ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी में, अब त्रिभुज ए एम सी में क्या हो जाएगा बच्चों, अब दूसरी त्रिभुज ए एम सी ये वाली है, ये और ये वाली त्रिभुज है ए एम सी, ठीक है, तो एम सी में भी हमने ऐसे ही लिखना है ए सी जमा एम सी, ए सी प्लस एम सी
बड़ी है एम से, इससे बड़ी है एम से, यानी इसमें भी इस त्रिभुज में भी ये भुजा जमा ये भुजा इस तीसरी भुजा से बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, समीकरण है, ये दूसरी है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम करते हैं एडिंग, या जो एक व दो जोड़ने पर, एक व दो जोड़ने पर, तो देखिए प्रश्नावली ये है समीकरण एक और ये समीकरण दो है, तो जब हम इनको जोड़ते हैं ना, तो ये चीजें आपस में जोड़ेंगे, ये अलग जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां हम ऐसे ही लिखेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी लिखेंगे, ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी, यानी इन चारों को हम ऐसे लिख लिया है जोड़ के, इसको 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 इसको, और फिर जो ग्रेटर देन का बड़े है का सिंबल है, जो चिन्ह है, इससे बाद वाले को अलग जोड़ेंगे ग्रेटर देन करके, ए एम जमा ए एम, ठीक है। अब ये देखिए, ए बी जमा ए सी, ए बी जमा ए सी का मतलब सी ए, ये दो चीजें तो हमारे पास है, बाकी दो चीजों से बी सी बनाना है हमने, तो ये चीज हमारे पास आनी चाहिए लास्ट में, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ए सी प्लस ये एम सी और बी एम, बी एम प्लस एम सी, इनको हमने इकट्ठा कर लिया, इसको और इसको, और प्लस ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना, ए सी हो चाहे सी ए हो, ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं, तो ये बड़ा आ जाएगा ए एम और ए एम, दो ए एम आ गया बच्चों, ठीक है। अब ए बी लिख दिया ऐसे ही, क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी प्लस, अब देखो बी एम और एम सी, ध्यान से देखें इधर, बी एम जमा एम सी दोनों मिलके पूरा क्या बना देते हैं, बी सी, क्या बना देते हैं, बी एम और एम सी मिलके पूरी लाइन बी सी बन गई, तो इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिखना है, बी सी, क्योंकि ये भी बी एम जमा एम सी है, प्लस सी ए बड़ा है इससे दो ए एम से। अब ये देखिए, यही ये प्रश्न है जो लाइन समीकरण, तो इसी को लिख दिया ए बी जमा बी सी जमा सी ए बड़ा है दो एम, तो अब ये कह रहा था कि बताइए कि क्या ये है, तो आप लिखोगे हाँ यह है, आपका आंसर आ गया ये, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया है कि ये प्रश्नावली को आपका क्वेश्चन 3 हो